अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन पकौड़ा की रेसिपी। डिफरेंट तरीकों से मैं इसे बनाऊंगी, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत झटपट बन भी जाता है। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करना। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने चिकन, बोनलेस चिकन लिया है 250 ग्राम। इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे, 1/2 लेमन जूस भी डाल लेंगे। इन सभी को आपस में ठीक से मिक्स कर लेंगे और चिकन को 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे। 30 मिनट बाद चिकन में डालेंगे धनिया और 2 से 3 हरी मिर्च, 1 लार्ज साइज कटी हुई प्याज डालेंगे, साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 कप बेसन और 2 टेबलस्पून चावल का आटा ले लेंगे और साथ ही थोड़ा सा सोडा डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पहले पानी ऐड नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तभी पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। 2 टेबलस्पून के करीब पानी डालना है, इसे ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ज़्यादा गीला हो जाएगा बेसन। अब चिकन के 1 पीसेस में बेसन और प्याज को इस तरह से मिक्स करके एक बॉल बना लेंगे छोटा साइज का। अब चिकन को फ्राई कर लेंगे। सारे चिकन के पीसेस को तेल में डाल लेंगे। मीडियम फ्लेम पे पकौड़े को दोनों साइड से ठीक से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन कलर के हो जाने पे पकौड़े को निकाल लेंगे पेपर टॉवल पे। इसी तरह से सारे बचे हुए पकौड़े को फ्राई कर लेंगे। चिकन के पकौड़े या चिकन बॉल भी कह सकते हैं इसे, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। आप इसे ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर बनाना घर पे। आप इसे इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं और अभी रमज़ान चल रहे हैं, आप इसे इफ्तार में भी बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कैसी है ये रेसिपी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं कोई और रेसिपी के साथ। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।